शख्स, क्या आप हमारे साथ आज एक नो शुगर नो डेयरी चैलेंज करना चाहेंगे? Yes. Wow. बिल्कुल. इस चैलेंज में आप ना तो शुगर खा सकते हैं, ना ही दूध से बना हुआ अन्य प्रोडक्ट्स, वो भी 100 दिन के लिए. शख्स, इमेजिन कीजिए, नागपुर की 45 डिग्री की गर्मी में आप नींबू पानी नहीं पी सकते, चिप्स नहीं खा सकते, मिल्क शेक नहीं पी सकते और आइसक्रीम्स तो बिल्कुल भी नहीं, वो भी 100 दिन के लिए. शख्स, हमने ऐसे ही एक चैलेंज किए थे कुछ साल पहले, जिसमें हमने फ्रूट्स को हमारा बेस्ट फ्रेंड बना लिया था. तो जब ये 100 दिन का चैलेंज खत्म हुआ तो हम अपने नियरेस्ट आइसक्रीम पार्लर में गए. वहां जाकर हमने अपनी फेवरेट फ्रूट आइसक्रीम खरीदी, बट हमने उसका जब पहला बाइट लिया तो हमें फ्रूट्स का नहीं सिर्फ केमिकल्स का टेस्ट आया. तब हमने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसी आइसक्रीम बनाएंगे जिसको खाते ही लगे फ्रूट ही खाया हो. और हमें पता था कि आज की जनरेशन को हम एक और स्कूप से एक्साइट नहीं कर पाएंगे, तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ अलग बनाएंगे. ऐसे शुरुआत हुई लिक्स्टर्स की. हाय शख्स, मेरा नाम परिमल है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ. और मैं हूँ दिव्या, मैं तमिलनाडु से आई हूँ. और हम हैं फाउंडर्स ऑफ लिक्स्टर्स. लिक्स्टर्स इंडिया की पहला प्रीमियम पॉप्सिकल एंड आइसक्रीम ब्रांड है, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रूट कॉन्सेंट्रेशन है. लिक्स्टर्स का एक पॉप्सिकल में है 80% से भी ज्यादा फ्रूट. इसमें आर्टिफिशियल कलर्स और केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं है. लिक्स्टर्स में है वीगन फ्रूट बार्स, ग्रीक योगर्ट बार्स एंड आइसक्रीम बार्स. हम इसके अलावा प्रीमियम आइसक्रीम्स और शेक्स भी बनाते हैं. गुई सेंटेड पॉप्स जैसा हमारे पास बहुत सारा इनोवेटिव फ्लेवर्स एंड इसके अलावा शुगर फ्री ऑप्शंस भी है. शख्स, हमारी शुरुआत 120 स्क्वायर फीट के एक छोटे से स्टोर में सिर्फ 6 फ्लेवर्स के साथ हुई थी और आज हमारे पास 30 से भी ज्यादा फ्लेवर की बड़ी रेंज है. शख्स, जिसके ना आए हो दांत ऐसा छोटा बच्चा भी करे लिख, जिनके गिर गए हो सारे दांत ऐसे प्यारे नाना नानी दादा दादी भी करे लिख, 100% प्योर फ्रूट का वादा है हमारा, आप सबके दिल में और आपके फ्रीजर में जगह बना ले, यही सपना है हमारा. शख्स, इसी सपने को पूरा करने के लिए आज हमारा आस्क है 50 लाख रुपए के बदले में 5% ऑफ इक्विटी. Shucks, that's a relief. Shall we go for licking? Because we know you love licking. All right. Let's do it. Welcome to Shark Tank India Thank Season 2. Thank you so much. आपका नाम सुनके यार एक पिक्चर की याद आई. चुपके चुपके देखी कभी? डॉक्टर परिमल त्रिपाठी. अरे वाह यार, पता है. Hilarious. Mine as well. Yes. तो समझाइए, आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते? हम हस्बैंड एंड वाइफ है. हस्बैंड एंड वाइफ. ये काम आप करते थे शादी के पहले की बाद? क्या शादी के बाद. आपने आइसक्रीम के इंडस्ट्री के बारे में जानकारी कैसे हासिल की? आइसक्रीम्स मेरा पैशन था और मेरा एजुकेशन होटल मैनेजमेंट में हुआ था. पर कहां आप किसी फैक्ट्री में गए टेक्नोलॉजिस्ट को मिले? हमने ही खुद घर में मोल्ड लेकर एक फ्रीजर लेकर आपने खुद डेवलप किया. हम तो वेट ही कर रहे हैं आपका, खिलाओ. फ्रूट में जो शुगर नेचुरल शुगर होता है वो तो रहेगा ही ना? हमारे पास शुगर फ्री ऑप्शंस भी है, हमारे पास शुगर वाले ऑप्शंस भी. शुगर फ्री ऑप्शन मुझे भी शुगर फ्री दीजिएगा. अमन, ये आपके लिए. अमित, आप मैंगो या गुआवा में से कुछ ट्राई करेंगे? मैंगो. सी व्हाट्स रिटन हियर. दिस इज समथिंग दैट वुड हैव बीन रिटन बाय यू. You have picked up the second best thing to do. I love it. पागल हैं यहाँ लोग, सब पागल हैं. ये कुछ और है, ये आइसक्रीम नहीं है ना? नहीं, completely fruit based है. कैसा है मन? जो normal चॉकोबार है. परिमल. हाँ जी. दिव्या. Yes. Taste तो same है. It's just you are saying ये healthier option. मेरे को कुछ ज़्यादा difference क्यों नहीं लग रहा मेरे को ये? ये मैं हेल्दी नहीं कहूंगा, ये डेकेडेंट ऑप्शन ही है. जो लोग आके चॉकलेट फैंस है वो ही खाते हैं. ये कितने की आती है? ये 140 रुपीस का है. ये 140 की एक? नहीं, that is 120 रुपीस. 120 रुपए की एक स्टिक है. वाओ, बहुत महंगी. तो why would anybody go for this specifically जब कॉर्नेटो 40 रुपए में आ जाता है? हमारा जो मैक्सिमम 80% जो रेंज सेल होता है वो सब 100 रुपए के नीचे सेल होता है. अनुपम ने जो जामुन खाया 80 रुपीस, जो पीयूष ने वहाँ पे रेनबो खाया 100 रुपीस. ये जो जामुन खिलाया आपने गांव, मैं बच्चों को खिलाता हूँ अपने, मेरे 8 साल के बच्चे हैं, तो अगर क्वालिटी पे भी जाते तो 10 रुपए 20 रुपए के वो मिलते हैं. तो ये 20 रुपए वर्सेस 80 रुपए इज अगेन अ बिग डिफरेंस. आई विल शो यू द डिफरेंस. 20 रुपए में कलर्स, हवा
एंड उसके अलावा बहुत सारे एसेंस, और उसके अलावा जो भी कैंसर कॉसिंग एजेंट्स जो E44 whatever it is, वो सब है, और इसमें है असली जामुन, असली फ्रूट्स, अच्छे शुगर। I am very perplexed. मुझे आपका मार्केट समझ नहीं आ रहा। आप हेल्थ की बात कर रहे हैं कभी, आप टेस्ट की बात कर रहे हैं कभी, आप फुल फ्रूट की बात कर रहे हैं कभी, लेकिन जब मैं आपके लोगों को देखता हूँ और आपके मैसेज को देखता हूँ, यू हैव पिक्ड अप द सेकंड बेस्ट थिंग टू लिक। आपका नाम है लिक्स्टर्स, और आपका लोगो और ये मैस्कॉट है, इट इज हाईली हाईली सजेस्टिव। फिर भी आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, ये क्या डिलिबरेट स्ट्रेटजी थी, प्रोवोकेटिव स्ट्रेटजी थी, या ये एक्सीडेंटली हो गया फिर आपने सोचा रख लेते हैं यार? ठीक है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। प्लीज। मेरी जो शुरुआत हुई थी तब मैं अपने ससुराल गया था, और मैंने एक ही चीज़ ऑब्जर्व की कि मेरे जो जितने भी वहाँ पे नीस और नेफ्यूज है या फिर इनके जो नाना जी है, आइसक्रीम लेते इनके नाना जी पहले लिक कर रहे हैं। सो जब हमारे हाथ में आइसक्रीम आती है तब हम ये नहीं सोचते कि ये सजेस्टिव है या क्या है, हम लोग उसको एंजॉय करने के बारे में सोचते हैं। तो जब मैंने उनको लिकिंग करते हुए देखा तो मैंने कहा ये सबसे इनोसेंट चीज़ है, हम इसको ज़बरदस्ती सजेस्टिव बना रहे हैं। अच्छा यही बता दीजिए, व्हाट इज द फर्स्ट बेस्ट थिंग टू लिक? दैट्स योर चॉइस सर। ओके, नंबर्स पे आ जाएं, अब सेल्स कितनी है, क्या नंबर्स पे आते हैं। पहला साल था 9 लाख रुपए का सेल 2019, 2020 में हमने किया 16 लाख रुपए का सेल जो कोविड साल था, 2021 में हमने किया 65 लाख रुपीस का सेल, और इस साल पहले 6 महीने में हम लोग 86 लाख रुपीस के नेट सेल पर हैं। टोटल कितना करोगे पूरे साल में? इस साल हम लोग 2 करोड़ रुपीस का मार्क क्रॉस करेंगे क्योंकि हमारे सारे स्टोर लगे। और लास्ट मंथ कितना किया? लास्ट मंथ हमने किया था 14 लाख रुपीस का सेल। और आपके सारे स्टोर्स प्रॉफिटेबल हैं? हाँ जी, स्टोर वाइज हम सब जगह प्रॉफिटेबल है। 86 लाख में अपना प्रॉफिट कितना है? मैं स्टोर वाइज बता देता हूँ, हमारा जो ग्रॉस मार्जिन हमारे स्टोर में होता है वो 70-72% होता है, और जो हम लोग फ्रेंचाइजेस को बेचते हैं उसमें हमको 50% का ग्रॉस मार्जिन मिलता है। फ्रेंचाइजेस भी हैं आपकी? हाँ जी, ये जो सारे नए स्टोर आ रहे हैं पहले 2 स्टोर के बाद, ये सारे फ्रेंचाइज है, और हमारा नेट हमारे स्टोर्स में होता है 40% का ग्रॉस मार्जिन। 40% का नेट मार्जिन? नेट मार्जिन। और हमारे फ्रेंचाइजेस 22-23% का मार्जिन कमाते हैं 3.5 लाख रुपए के सेल के ऊपर, और वो ग्रो होता जाता है। सेल भी बताइए अपने स्टोर पे कितनी है, फ्रेंचाइजी भी कितनी है? हमारे स्टोर का इस साल का सेल है 70 लाख रुपीस। इसको जब आप फ्रेंचाइजी करते हो और माल बेचते हो, अपनी आइसक्रीम बेचते हो, तो आप कितना लेते हो? हम लोग पॉप्सिकल पे स्ट्रेट 40% मार्जिन देते हैं। 40% मार्जिन पे आइसक्रीम पे स्ट्रेट 50% देते हैं, और जो भी प्रोडक्ट स्टोर में बनते हैं अप टू 55% का मार्जिन अर्न करते हैं। आपने अपनी जो वैल्यूएशन बनाई वो किस बेसिस पे बनाई आपको? अभी तक हमारा लाइफ टाइम सेल रहा है 2 करोड़ रुपए प्लस का, और हमारा इस साल का टारगेट है 2.25 करोड़, और अगले साल हम लोग 15 फ्रेंचाइज के साथ 5 करोड़ का सेल पक्का कर लेंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट है ये अभी आप अपने स्टोर से ही सेल करते हैं या औरों को भी देते हैं बेचने के लिए? हम जोमैटो स्विगी में भी है, उसके अलावा हमारे कुछ स्टोर्स में, जो भी स्टोर्स में उसमें है। और कोई ग्रोसरी स्टोर या रिटेल में अभी तक हमने नहीं किया है। मैंने डिसीजन बना लिया है। आप डिसीजन बनाने के पहले मैं छोटा सा एक स्टोरी बता देती हूँ, आप उसके बाद डिसीजन बना लीजिए प्लीज। आप बता दो, पर मेरा डिसीजन जल्दी मैं बता देती हूँ। पहले हमने शुरुआत की थी छोटे से रूम पर, फिर अभी हमारे पास है 5000 स्क्वायर फीट का जगह, और उसके अलावा नेक्स्ट ईयर हमको अलॉटमेंट हुई है 18000 स्क्वायर फीट का जगह इन अ फूड पार्क इटसेल्फ। और आपका चश्मा, लेंसकार्ट का चश्मा मैंने बहुत सालों पहले ऑर्डर किया था, आने से पहले ही उन्होंने बोला था कि ये जो चश्मा है क्वालिटी कंट्रोल में रिजेक्ट हो गया है। सो जो हर एक पॉप्सिकल आप देख रहे हैं उतना ही केयर लेकर हम बनाते हैं। आप जितना क्वालिटी के लिए आप एफर्ट ले रहे थे, हमने उतना एफर्ट हर एक इंग्रेडिएंट में हमने उतना फोकस देते हैं। नहीं दिव्या, आपका आपका जुनून, आपका पैशन एकदम सामने आ रहा है। Yes. लेकिन आई थिंक पीयूष की वो रीजन नहीं है, पर एक बार बाकी लोग अपना डिसीजन बता दीजिए। अच्छा, मेरा डिसीजन बन गया है, मुझे फ्लेवर पसंद आया। थैंक यू, आई डेफिनेटली बी योर कस्टमर। मैं इन्वेस्टर इसलिए नहीं बनना चाहूंगी क्योंकि आपका प्राइसिंग रॉन्ग है। अगर आप ये सेम चीज लोअर प्राइस में ला सकते हैं तो यू कैन रियली कैप्चर अ लार्जर मार्केट। बिल्कुल ला सकते हैं, बट वो लाते लाते कब होगा, कैसे होगा, आई एम नॉट सीइंग दैट क्लैरिटी। इट्स टू स्मॉल फॉर मी राइट नाउ, बट आई विश यू द बेस्ट। आई एम आउट फॉर नाउ। मेरे को 3 इशू है इसमें, 3 P। एक प्राइसिंग इशू, और दूसरा पोटेंशियल इशू, और तीसरा आपको पीयूष चाहिए, तो मैं आउट हूँ।
तो आपको आज एक ऑफर तो आएगा। टू शार्क्स आर आउट। अभी पीयूष कुछ कहना चाहता है। देखिए, पहली बात तो मैं स्किपी में इन्वेस्टर हूँ। आई अंडरस्टैंड। और यहाँ पे काफी लोग स्किपी में इन्वेस्टर हैं। मैं एक ही पॉप्सिकल बिजनेस में एज एन इन्वेस्टर रहना चाहता हूँ, तो इस रीजन से मैं बाहर हूँ। एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री में सेम ओल्ड होता ही जा रहा है, तो हमारे पास सच में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। चलिए, आपने कहा 15,000 करोड़ इंडस्ट्री साइज है आइसक्रीम का, ये जनरली ऑर्गेनाइज के नंबर्स। आइसक्रीम इंडस्ट्री आप सही कह रहे हैं, काफी लार्ज है। आपने जो नंबर बताया वो ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज उससे 10 गुना बड़ा। तो इसमें काफी ब्रांड्स बनेंगे नेशनली, क्योंकि इतना हाइपर कंपेटिटिव हो गया है। आपकी टारगेटिंग पोजिशनिंग इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप एक जगह बना सके अपने लिए। अभी तक मुझे वो बात नहीं दिख रही है, और इसीलिए मुझे लग रहा है आप कहीं जाके अटक जाएं। इस वजह से मैं आज आउट हूं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी पोजिशनिंग पे, अपने लोगों पे। जो मैंने बात कही है वो मैं सिर्फ मजाक में नहीं कहा, ये काफी मिसअंडरस्टैंड भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। But I wish you luck. I hope you do really well and build a great business from Nagpur. Thank you so much. Decision मैं अपना भी दे देता हूँ। देखो, मेरे को, मैं इस business में अभी आज एक reason से out हो रहा हूँ कि मेरे को ना product इतना मजा नहीं आया खा के, मतलब। और मैं अगर इसको खुद नहीं खरीदूंगा तो बहुत मुश्किल है कि मैं promote करूँगा आपके product को, भाई आप इसको खरीदो। तो आज मैं इस reason से out हूँ। अमित बाहर मत जाइए। हाँ जी। कार देखो, पावर ड्रिफ्ट का बहुत पुराना व्यूअर हूँ, आप हम पे पक्का चांस ले सकते हैं। प्लीज थोड़ा सा चांस दे दीजिए और देख लीजिए बाकी जगह जाकर फ्लेवर टेस्ट करके, आप इमीडिएटली इसके लिए आउट मत हो जाइए, हम जैसे मेहनती कपल आपको नहीं मिलेंगे। चलिए मैं आपको ऑफर देता हूँ। भरोसा नहीं है, फिर भी मैं आप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ। इस प्रोडक्ट को बेटर बनाना पड़ेगा, प्राइस पॉइंट राइट करना पड़ेगा, इस पे आप अलाइन हो। डेफिनेटली परफेक्ट। आई Give 50 lakh, 25 lakh in debt, 25 lakh in equity, और मैं 5% लेना चाहूँगा। मैंने आपकी कंपनी की वैल्यू लगाई 5 करोड़। It's very a good, good deal. Offer. Very good. It's a good offer. Deal पक्की. Deal पक्की. All right. Congrats. ये persistence रखना एक founder में, क्या persistence होती है दिखाती है। Loss नहीं होना चाहिए धंधे में, ये आपकी guarantee। आपका video तो इतना देखे हैं, आज पता चल रहा है क्यों। आप दोनों बहुत speak up। Thank you so much. Let's make it last. Looking forward to get in touch. Thank you so much. Thank you guys. चलिए।